हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कैसे हैं आप सब यार? आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आपके भाई ने अपनी ज़िंदगी की बहुत चीज़ों के बाद एक और नई चीज़ ले ली है। जैसे कि आप लोगों को पता था, अभी लास्ट चीज़ मैंने मेरे फादर ने जो है मुझे दिलाई थी आईफोन 13 प्रो मैक्स, और उसके बाद आइए भाई आपके भाई ने ले ली है न्यू साइकिल। अभी आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास साइकिल जो थी वो बहुत छोटी थी, मतलब इट्स नॉट कम्फर्टेबल फॉर मी। 4 साल पहले ली थी 2018 में, तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। तो अब आपके भाई ने एक ले लिया नई साइकिल जिसकी वर्थ बहुत ही ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि भाई इसमें तेरा घर जाएगा। तो आ जाओ तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि ये साइकिल लेने का मेरे दिमाग में कैसे आया। तो ये आइडिया आता है कि मुझे एक हफ्ते पहले शौक चढ़ा था वापस से साइकिल चलाने का, मैं बिल्कुल सुस्त टाइप का हो गया था। तो मैं जब गया तो मैंने देखा कि भाई रोड पे सब मुझे देख के हंस रहे हैं यार, ये साइकिल चला रहे थे, हंस नहीं रहे थे, मतलब उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि हंस ही रहे दिल में। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यार मुझे हैरेसमेंट फील होने लगी, तो फिर ऐसा लगा कि यार साइकिल चेंज करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटी 2018 में ली थी भाई, आप खुद सोचो यार। तो फिर सीन कुछ ऐसा हुआ कि बाबा भी बोल रहे थे कि ले लेते हैं नई साइकिल क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो मैंने क्या किया कि फिर पापा ने बात की, फिर देखा लाइट हाउस में भी ज़्यादा अच्छी साइकिल मिलती है। आप लोगों को पता होगा जो कराची में रहते हैं लाइट हाउस कहेंगे भाई साइकिलों का। तो वहाँ पर हम गए सैटरडे को, मतलब परसों, आज है मंडे, तो परसों मैं ये साइकिल लेके आ गया हूँ। ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी साइकिल है। वहाँ पे दुकान में मुझे बहुत बड़ी लग रही थी क्योंकि इसके टायर देखो कितने बड़े, और फिर मैंने सोचा कि यार यही डन करनी चाहिए। इसके एक्चुअल प्राइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक्चुअल है ये 37,000 की, बट यू नो बार्गेनिंग करके 30,000 में आ गया, वरना 40,000 की साइकिल भाई आप कुछ सोचो यार, इसमें तो मतलब बाइक आ जाती है। तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला बाइक ले लो क्योंकि मेरी एज के बच्चे चला रहे हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइक्स, तो ये साइकिल ज़्यादा अच्छा है और ये मेरे फादर भी चला सकते। तो गाइस इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको कुछ उतर के बता दूँ क्योंकि काफ़ी ज़रूरी स्पेसिफिकेशन है इसकी। तो सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो है मैंने ये जो बास्केट है ये मैंने नहीं लगवाई है, ये मतलब मैंने ही लगवाई है, लेकिन ये लगी भी नहीं होती है एक्चुअली, इन साइकिल्स में होती नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स साइकिल है बहुत ज़्यादा अच्छी वाली, तो इनमें ये वैसे बिल्ट इन नहीं होती है, खुद लगवानी पड़ती है। एंड लगवा लो तो अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई घर के सौदे लाने पड़ते हैं, थोड़ा खुद भी मतलब बनना पड़ता है, सही है, सौदे घर के लाने होते हैं, इसलिए मैंने ये लगवा ली है ताकि उसमें दूध दही सब्ज़ी टमाटर वमाटर जो भी है एक्सेट्रा, तो वो सब लाने के लिए मैंने ये बास्केट लगवाई। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें ये सबसे बड़ी बात है ये साइकिल की महंगी होने की, कि ये गियर वाली साइकिल है, तो गियर, और इसमें मैं गियर बता देता हूँ, गियर इसमें 7 गियर हैं, 7 gears which is not a small number यार, मतलब कुछ सोचो गाड़ी में ही 5 होते हैं, इसमें जो है 7 gear हैं। अच्छा गियर से फ़ायदा ये होता है कि ना अगर आप गियर लगा दो तो ये जो पैडल होता है ना इसको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आप कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो, कोई माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे हो, मतलब कोई साइकिल से जा रहे हो, तो आपका जो है पैडल शिफ्ट जो है ना वो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो अगर आप गियर लगाओगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और आप बहुत तेज़ भगा भी सकते हो। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यार इसके गियर का क्या फ़ायदा है। इधर आओ, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1, 3, 5, 7 ये गियर है, और ये देखो ये जो नीचे आ रही है ना ये चीज़, इससे गियर जो लगता है इससे डिक्रीज होता है। तो ये देखो अगर गियर मैं फ़ायदा दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ से मैंने गियर डाला, इधर नीचे दिखाओ गियर डाला, ये एक गियर लग गया, एक मिनट ये देखो, अब मैं जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ओके भाई इस साइकिल में ये हमें बॉटल भी मिलती है जो कि अभी मेरे कैमरामैन को भी बहुत प्यास लग रही है, ये लो भाई। सो यार अभी जो है ये बॉटल इसमें मिली है, यहाँ पे लगाने का भी है, बहुत ही अच्छी बॉटल है, आप अगर साइकिलिंग कर रहे हो तो भाई गुड रहता है, वरना आपको घर की बोतलें उठा के ले जानी पड़ती है, खुद सोचो यार कितना अजीब लगेगा इतनी बड़ी महंगी साइकिल में बैठे हो। उसके बाद इसमें गियर का तो मैंने बता ही दिया आप लोग, और यही सारी चीज़ें, बाकी साइकिल बहुत अच्छी है, और हाँ टायर की बात करते हैं आता हूँ। It was at this moment that he knew. टायर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और इसमें रिफ्लेक्टर भी मैंने लगवाए हुए, टायर है 27 या 29 इंच, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट नंबर,
तो टायर्स बहुत ज़्यादा बड़े, और अभी मेरा कैमरामैन डर गया था। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मेरे कैमरामैन को डरा के रख दिया, जिसमें आप लोगों को लगा होगा कि मैं इसके अंदर घुस जाता, एकदम लेके घुस जाता और ये गिर जाता है, ये इंजरी हो जाती, इसको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता, बट ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये देखो भाई इसमें है डिस्क ब्रेक। देखा, एक ही जगह पे रुक गया। और ये डिस्क ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और कुछ साइकिल ऐसी होती है जो लाख डेढ़ लाख दो लाख की होती है, उनमें होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आपकी साइकिल है तो डिस्क ब्रेक वाली लो, काफ़ी अच्छी रहती है। फौरन एक ही जगह पे, देखो एक ही जगह पे रोक देती है बिल्कुल टाइटली। पुल्की की साइकिल है ये, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसकी। पुल्की की है दी बाइक दैट यू कैन ट्रस्ट, मतलब इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। MTB 27.5 ये इसका मॉडल नंबर है, सर्च कर सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा अच्छी साइकिल है जो आपके भाई ने बाय कर ली है। तो इसके ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से यार नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह...